अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फोकस अब रूस यूक्रेन युद्ध पर, जहां इस युद्ध के बीच अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि जेलेंस्की ने पुतिन की हत्या को लेकर बड़ा दावा किया है। जेलेंस्की ने कहा है कि पुतिन की एक दिन हत्या कर दी जाएगी और ये हत्या उनका कोई करीबी ही करेगा। रूस यूक्रेन युद्ध को एक साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। यूक्रेन में तबाही ही तबाही नजर आ रही है। शहर के शहर बारूदी हमले में तबाह हो गए हैं। कभी हंसता खेलता शहर अब खंडहर बन चुका है। एक एक पल लोग दहशत और डर के माहौल में जी रहे हैं। लेकिन इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक ऐसा दावा किया है जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। जेलेंस्की ने दावा किया कि पुतिन की कभी भी हत्या हो सकती है। इससे पहले भी कई बार पुतिन की बीमारी और हत्या को लेकर दावे होते रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति के दावे से कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। किसने रची पुतिन की हत्या की साजिश? कौन करना चाहता है पुतिन की हत्या? क्या पुतिन की मौत से होगा महायुद्ध का अंत? पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि पुतिन की हत्या ना तो यूक्रेन या नाटो की सेना करेगी और ना ही कोई दुश्मन। जेलेंस्की ने कहा कि आने वाले समय में रूस के अंदर हालात खराब होने वाले हैं। बिगड़ते हालात की वजह से रूस में टूट का दौर आएगा, जिसके बाद पुतिन के सहयोगी ही उनके खिलाफ चले जाएंगे। रूस के अंदर ही पुतिन के खिलाफ आवाज उठने लगेगी। हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि एक दिन उनके करीबी ही पुतिन को मार डालेंगे। ये पहली बार नहीं है कि पुतिन की हत्या का दावा किया गया। इससे पहले ब्रिटिश मीडिया ने भी पुतिन की हत्या का जिक्र किया था। ब्रिटिश मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में नेट सिबली नाम के विशेषज्ञ के हवाले से दावा किया कि पुतिन की हत्या उनके ही देश उनके ही दफ्तर में होगी। ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन के आसपास रहने वाले लोग खुद चाहते हैं कि पुतिन को सत्ता से बेदखल कर दिया जाए और जेल की काल कोठरी में डाल दिया जाए, या फिर उनको एक लैंप पोस्ट से झूलते देखना पसंद कर सकते हैं, या फिर पुतिन की गोली मारकर हत्या की जा सकती है। पुतिन का भविष्य कुछ भी हो, लेकिन सुखद अंत होना मुमकिन नहीं है। इससे पहले पिछले महीने ही यूक्रेन में चल रहे रूस के विपक्षी नेता लियाव पोनोमारोव ने भी पुतिन की हत्या होने का दावा किया था। उन्होंने तो यहाँ तक दावा किया था कि पुतिन का इस साल 7 अक्टूबर के पहले कत्ल कर दिया जाएगा। रूसी राष्ट्रपति किसी भी सूरत में अपना 71वां जन्मदिन नहीं मना पाएंगे। उन्होंने भी पुतिन के काफी करीबी लोगों पर ही हत्या करने की आशंका जताई थी। इन सब दावों के बीच पुतिन की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो गए कि रूस के अंदर ही कैसे पुतिन की हत्या की साजिश रची जा रही है। हालांकि इन सबके बीच खबर ये भी है कि पुतिन सत्ता में बने रहने के लिए अपने हर एक खतरे को एक एक कर दूर करते जा रहे हैं और अपने भरोसेमंद को बड़े पदों पर बैठा रहे हैं। लेकिन सबके बीच जेलेंस्की का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि पुतिन के कुछ करीबी यूक्रेन और देश की बाकी कुछ नीतियों से खुश नहीं है। इनकी नाराजगी यूक्रेन जंग के लंबा खिंचने से और बढ़ती जा रही है। युद्ध नीति में साइओप्स एक बहुत बड़ी भूमिका प्ले करता है और इन मीडिया रिपोर्ट्स और जेलेंस्की के इस बयान को उस नजरिए से भी देखा जा सकता है कि रूस के क्लोज सर्कल के अंदर कैसे डाउट पैदा किया जाए और पुतिन के दिमाग में भी शक को कैसे बोया जाए। वहीं दूसरी ओर पुतिन ने अमेरिका और नेटो पर रूस को तोड़ने की साजिश रचने का सीधा आरोप लगाया है। रूस के बारूदी तहखाने में हाइपरसोनिक मिसाइलें पहले से ही रखी हुई हैं जो पलक झपकते ही पश्चिम के कई देशों को तबाह कर सकते हैं। आइए अब आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि अगर रूस पर खतरा बढ़ा तो व्लादिमीर पुतिन क्या कर सकते हैं। सबसे पहले रेडार पर यूक्रेन के आसपास के देश होंगे, जैसे पोलैंड, मॉस्को, यानी कि रूस में जहां इनके बेसिस है वहां से पोलैंड ज्यादा दूर नहीं है। पोलैंड एक तरफ जहां पर इन पर अटैक कर सकते हैं, दूसरे निशाने पर फिर, क्योंकि यूक्रेन का सबसे ज्यादा हथियार पोलैंड से सप्लाई हो रही है, इंग्रेस जो है यूक्रेन की तरफ इसी बॉर्डर से हो रहा है, फिर ऊपर एस्टोनिया है, लिथुएनिया है, ये सारे देश हैं जो कि बेलारूस को घेरे हुए हैं, और उस तरफ बाल्टिक सी पर जो थ्रेट होगा वो वहां से होगा। एस्टोनिया यूक्रेन को मदद देने वालों में एस्टोनिया शामिल है। लातविया भी मॉस्को के टारगेट पर है, क्योंकि जैसा मैंने कहा एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया, ये तीनों देश नेटो में शामिल होना चाहते हैं और इन सब का
रूस की सरजमीं से या रूस के बहुत ही खास मित्र बेलारूस से कहीं ना कहीं कनेक्शन है। लिथुएनिया की भी मैंने आपको बात की, माना जा रहा है कि पुतिन इन देशों पर हमला करने के बजाय एस्टोनिया, लातविया और लिथुएनिया में बने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकते हैं, जिससे अमेरिका भी अलर्ट मोड पर है। ये तो रहे छोटे छोटे देश, नेटो में शामिल जर्मनी भी मॉस्को के निशाने में है। ऐसे में अपनी मिसाइलों को पुतिन जर्मनी की रेल और सड़क मार्ग पर दाग सकते हैं। ये वो रास्ते हैं जिनसे यूक्रेन को सैन्य मदद पहुंचाई जा रही है। लेपर्ड 2 टैंक्स जर्मनी से, पोलैंड, पोलैंड से यूक्रेन आ रहे हैं। ब्रिटेन, वैसे भी अभी तक ब्रिटेन और रूस के बीच धमकियों का दौर जारी है, लेकिन हालात बिगड़े तो पुतिन के निशाने पर नेटो में शामिल सबसे अहम टारगेट ब्रिटेन होगा और उसके साथ साथ इटली होगा। तो ये दोनों देश, इटली भी पुतिन के टारगेट पर है। कुल मिलाकर नेटो पूरी तरह से ना सिर्फ पुतिन के टारगेट पर है, बल्कि नेटो के सभी 30 देश पुतिन के घातक मिसाइल की जद में हैं। तो इनको कम आंकना, खतरे से खाली नहीं। अब युद्ध में पुतिन को जोरदार झटका भी लगा है। दावा किया जा रहा है कि बेलारूस में रूस के एयरबेस पर ड्रोन अटैक हुआ। इस ड्रोन अटैक में रूस का निगरानी विमान यानी A-50U तबाह हो गया है। सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट या सर्वेलेंस क्राफ्ट कहा जाता है A-50U को। इस हमले की जिम्मेदारी बेलारूस के एक संगठन ने ली है। इस संगठन को यूक्रेन का समर्थक बताया जाता है। इस हमले में रूस का जो विमान तबाह हुआ, उस विमान के जरिए रूस यूक्रेन पर युद्ध की खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का भी आरोप लगा चुका है। महायुद्ध में पुतिन का जोरदार झटका, रूस के आसमानी आंख पर वार, जंग में जेलेंस्की की नई स्ट्राइक। युद्ध के मोर्चे से पुतिन को बहुत परेशान करने वाली खबर सामने आई। बताया गया कि रूस का निगरानी विमान A-50U बेलारूस में तबाह हो गया। दावा किया गया कि बेलारूस की राजधानी मिंस्क में बने रूस के एयरबेस पर हमला हुआ, जिसमें 2 ड्रोन हमले की बात सामने आई, जिसमें रूस के सर्विलेंस एयरक्राफ्ट A-50U के तबाह होने का भी दावा सामने आया। इन हमलों का आरोप बेलारूस के एक सरकार विरोधी संगठन बाइपोल ने लिए, जिसके नेता अलेक्सेंद्र अजरोव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा वो ड्रोन इस ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले बेलारूस के, जो फिलहाल सुरक्षित और देश के बाहर है। हालांकि रूस और बेलारूस की तरफ से इस हमले की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन माना जा रहा है कि A-50U विमान का बर्बाद होना रूस की वायुसेना के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि रूस इस निगरानी विमान के जरिए पूरे यूक्रेन युद्ध में खुफिया जानकारी इकट्ठा करता रहा है। ड्रोन हमले में रूस के जिस निगरानी विमान के तबाह होने की बात सामने आई, वो करीब 2731 करोड़ का था, जो एयरबोन कमांड और कंट्रोल क्षमताओं से लैस था। बताया गया कि ये प्लेन 60 टारगेट को एक साथ ट्रैक कर सकता था। बेलारूस में रूस के एयरबेस पर हुए हमले के बाद यूक्रेन जंग में बेलारूस की सीधी एंट्री की भी बात सामने आ रही है, क्योंकि जिस सरकार विरोधी ग्रुप ने यह हमला किया वो यूक्रेन का पक्ष धर रहा है। बेलारूस इस ग्रुप को आतंकी संगठन बताता रहा है। हालांकि बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने यूक्रेन युद्ध में सीधे हिस्सा नहीं लिया है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान पुतिन का साथ देते रहे हैं। उन्होंने पुतिन की सेना को अपने सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की भी अनुमति दी है, जबकि बेलारूस की सेना रूस की सेना के साथ कई युद्ध अभ्यास कर चुकी है। वहीं कई रूसी फाइटर जेट्स बेलारूस में तैनात किए गए हैं। कुछ दिन पहले हमने आपको अखाड़े में बताया था कि किसी न किसी तरह बेलारूस डायरेक्टली इस युद्ध में शिरकत करने पर आमादा हो जाएगा और कहीं न कहीं इसमें रूस की साजिश होगी। इस एयरबेस पर अटैक क्या उस तरफ एक कदम है, ये भी देखने वाली बात होगी। रूस का एवॉक्स A-50U भले ही पुराना हो गया है या रूस के पास इसकी तादाद अब कम हो चुकी है, इसके बावजूद ये व्लादिमीर पुतिन के सबसे बेशकीमती हथियारों में इसका नाम शुमार है। दावे के मुताबिक रूस के पास A-50U एवॉक्स सिर्फ 9 बचे हैं। इनमें से एक A-50 इसी साल 3 जनवरी को बेलारूस पहुंचा था और वहां करीब 54 दिनों में इस प्लेन ने 12 बार उड़ान भरी थी। इससे पहले 24 फरवरी 2022 को भी A-50U उस वक्त बेलारूस पहुंचा था जब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। रूस के इस
एक एवॉक्स की कीमत करीब 2731 करोड़ रुपए बताई जाती है। ऐसे में एक झटके में रूस का करीब 2700 करोड़ रुपए का नुकसान और एक बेहद अहम एवॉक्स का नुकसान, इंटेलिजेंस के लिए बहुत ही क्रिटिकल था ये, इसका नुकसान ये तो महंगा पड़ेगा, खलेगा व्लादिमीर पुतिन को। और इसी महायुद्ध के बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में होने वाले G20 देशों के विदेश मंत्री की बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रूस के विदेश मंत्री सर्गेय लवरोव भारत आ रहे हैं। ये दोनों विदेश मंत्री G20 देशों की मीटिंग में हिस्सा लेंगे, साथ ही चीन के विदेश मंत्री किनगैंग भी मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए भारत आ रहे हैं। ये बैठक 1 और 2 मार्च को नई दिल्ली में होगी। नीरज जुड़ रहे हैं डिटेल्स के साथ। नीरज, तो कल और परसों ये तीनों यहां पहुंचेंगे, क्या भारत से उम्मीद की जाएगी कि इन दिनों के बीच में किसी तरह से शांति की बात करे, पहल करे? अनंत, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, G20 ऐसे है तो आर्थिक फोरम दुनिया का सबसे बड़ा है, लेकिन ये उम्मीद की जाती है यूक्रेन और रूस युद्ध के संदर्भ में जिस तरह से अमेरिका और पश्चिमी देश एक तरफ और दूसरी तरफ रूस तो है ही, चीन का साथ भी मिल ही जाता है अप्रत्यक्ष तौर पर। हालांकि चीन बार बार ये कहता है कि उनका स्टैंड संतुलित है, लेकिन जिस तरह से बेंगलोर में वित्त मंत्रियों की बैठक हुई उस बैठक में कोई ज्वाइंट कॉम्युनिक नहीं आ पाया, क्योंकि रूस और चीन और पश्चिमी देशों का रुख अलग अलग हो गया था। बिल्कुल, आपने तीन नाम जो लिए, उसके अलावा 20 देश हैं G20 में, उसमें से 18 देशों के विदेश मंत्री शामिल होंगे, 2 देशों की तरफ से कोई दूसरे रिप्रेजेंटेटिव आने की खबर है। इसके अलावा 9 अतिथि कंट्री है जिसे भारत ने इन्वाइट किया, उनके यहाँ से भी विदेश मंत्री पहुंचेंगे। तो एक बहुत बड़ा आयोजन होगा और सितंबर में होने वाली सम्मेलन से पहले यह सबसे बड़ा आयोजन माना जाता है विदेश मंत्रियों की बैठक का। इसमें यूक्रेन से जुड़े मसले पर भी चर्चा होगी, खाद्य संकट हो, दूसरे संकट दुनिया के सामने जो पैदा हो गए हैं। जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि दोनों देशों के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को बनाए रखने के लिए और पुरानी खेप को खत्म करके रखने के लिए इस युद्ध को जानबूझकर घसीटा भी जा रहा है। नीरज, तो क्या भारत एक ऐसी भूमिका निभाएगा जो कहेगा कि यूक्रेन को दुनिया का धान बास्केट कहा जाता है, दुनिया के लिए सबसे ज्यादा गेहूं धान यूक्रेन से निर्यात होता था, तो क्या इस पर भारत बात करेगा कि युद्ध से अन्य देशों को नुकसान होगा? देखिए, बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र, समरकंद में आपको याद होगा राष्ट्रपति पुतिन के सामने भारत का पक्ष निष्पक्ष है आनंद, और जिस तरह से राष्ट्रपति पुतिन के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक तौर पे कह दिया कि मौजूदा काल युद्ध का काल नहीं होना चाहिए, उससे बड़ा बयान किसी भी राष्ट्र प्रमुख का राष्ट्रपति पुतिन के सामने नहीं आया है और इसकी बहुत प्रशंसा हुई थी। और बाली डिक्लेरेशन में आपने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को शामिल भी किया गया था। तो यूक्रेन के का युद्ध जो चल रहा है उसमें भारत से तमाम देशों को उम्मीद है। अभी जर्मन चांसलर आए तो उन्होंने भी भारत से उम्मीद जताई है कि भारत एक पहल करे, और भारत बार बार ये कहता रहा है कि जिस तरह से भी मदद की जरूरत होगी वो करेगा इस संकट को पर इसमें चैलेंज ये है कि नेटो देशों को, यानी नेटो ताकतों को भी रूस से पीछे हटने की आवश्यकता है। कई लोग ये पूछते हैं कि अमेरिका लिथुएनिया एस्टोनिया में क्या कर रहा है, रूस के दरवाजे पर क्यों खटखटा रहा है अमेरिका? अगर यही काम जब रूस ने क्यूबा की तरफ किया था, अमेरिका की तरफ कदम बढ़ाए थे, तब अमेरिका ने न्यूक्लियर युद्ध की चेतावनी दी थी, धमकी दी थी, तो यही प्रश्न भी पूछा जा रहा है। तो कहां पर इसका समाधान निकलेगा ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद नीरज, आगे बढ़ते हैं अखाड़ा में। जंग के मैदान से एक और बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि ईरान के एडवांस ड्रोन के बदले रूस उसे अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी दे सकता है। इसके साथ ही रूस ईरान को लड़ाकू विमान भी दे सकता है, और अगर ये डील हो गई तो इजराइल में हड़कंप मच जाएगा, क्योंकि इस डील में ईरान रूस से लंबी दूरी तक वार करने वाले मिसाइल की मांग करेगा। इससे पहले CIA चीफ विलियम बर्न्स ने दावा किया है
कि चीन और रूस के बीच हथियारों को लेकर बड़ी डील होने वाली है। चीन जल्द ही रूस में अपने हथियार भेज सकता है, यानी महाजंग में अमेरिका के तीन दुश्मन एक साथ मिल गए हैं। ये पुराना कोल्ड वॉर वाला ग्रुपिंग, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर टू के टाइम में जो ग्रुपिंग, उसके बाद से जो ग्रुपिंग आई थी, फिर से वो ग्रुपिंग बनती हुई नजर आ रही है। कई एक्सपर्ट्स इसको लेकर के चिंतित हैं। जंग में जुड़ गई है प्रहार करने वाली तकड़ी। त्रिदेव प्लान से यूक्रेन पर होगा वार। सेलेंस्की के खिलाफ जंग में रूस, चीन और ईरान की तकड़ी में बारूदी समझौता। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में बर्बादी के मंजर के सिवा कुछ भी नहीं दिख रहा है। एक तरफ रूस है तो दूसरी तरफ यूक्रेन और उसके साथ अमेरिका और नाटो के देश। जंग में हालात ऐसे हैं कि कोई भी किसी से कम नहीं दिख रहा। इस महाजंग में हालात ऐसे बने कि अमेरिका के सारे दुश्मन एक साथ मिल गए। रूस, चीन और ईरान, ये तिकड़ी इस समय साथ है और अमेरिका के हुकूमत पर चोट पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस और ईरान के बीच एक और बड़ी डील होने वाली है। ये वो डील है जिससे कयामत आ जाएगी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बॉन्स ने दावा किया कि ईरान के एडवांस ड्रोन के बदले रूस उसे अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी दे सकता है, यानी ईरान के कामिकाजे यानी आत्मघाती शाहिद 136 ड्रोन के बदले रूस मिसाइल वाला रिटर्न गिफ्ट देने वाला है। इसके साथ ही रूस ईरान को अपने 24 Su-35 फाइटर जेट भी देने वाला है। रूस ईरान को मिसाइल कार्यक्रम में मदद का प्रस्ताव दे रहा है। इसके साथ ही कम से कम ईरान को लड़ाकू विमान देने की संभावना पर भी विचार कर रहा है। इससे पहले CIA चीफ कह चुके हैं कि रूस और चीन के बीच में हथियारों को लेकर सौदा हो रहा है और चीन जल्दी ही रूस में अपने हथियार भेज सकता है, यानी इस महाजंग में रूस, चीन और ईरान साथ साथ हैं। ईरान के शाहिद 136 ड्रोन ने यूक्रेन में जो कयामत ढाया है उससे पश्चिमी देश सकते में है। इस ड्रोन की वजह से कीव से लेकर यूक्रेन के कई शहरों में कोहराम मच गया था। CIA के डायरेक्टर ने इसका दावा भी किया। हम जानते हैं कि ईरान रूस को पहले ही सैकड़ों हमलावर ड्रोन दे चुका है। इन ड्रोनों से रूस यूक्रेन में नागरिकों को दर्द देने और बुनियादी ढांचे को बर्बाद करने में लगा चुका है। यूक्रेन में जंग के दौरान रूस की सेना के लिए ईरान के ड्रोन काफी मददगार साबित हो रहे हैं। शाहिद 136 ड्रोन से यूक्रेन के बुनियादी ढांचे को तोड़ने में आसानी हुई थी। यूक्रेन की बिजली व्यवस्था को भी इसी ड्रोन ने नुकसान पहुंचाया था। एक आंकड़े के मुताबिक ईरान ने अब तक 2000 से ज्यादा शाहिद 136 ड्रोन रूस को दे चुका है। उधर चीन के साथ भी रूस की जोड़ी अमेरिका को खूब अखर रही है, क्योंकि चीन भी रूस को कई खतरनाक हथियार दे सकता है। अमेरिका बार बार ये बात दोहरा रहा है कि चीन रूस को हथियार दे सकता है। खबर ये भी है कि चीन रूस को ऐसा ड्रोन देगा जिससे केमिकल अटैक हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन के शहरों में तबाही आ सकती है, ठीक वैसी बर्बादी जैसी ईरान के आत्मघाती ड्रोन से आई। चीन और ईरान का साथ मिलने के बाद से रूस की ताकत ऐसी बढ़ जाएगी जिसकी अमेरिका ने कल्पना तक नहीं की होगी। वहीं यूक्रेन में भी बड़ी आफत आने की आशंका बढ़ चुकी है। अब वहीं दावा किया जा रहा है कि अगर नेटो और रूस में टेंशन बढ़ी और अगर युद्ध छिड़ता है तो रूस अमेरिका पर अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल चला सकता है। यह है सरमत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी ICBM, जो सिर्फ रूस के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ज्यादा रेंज वाली मिसाइल है।
अब आईसीबीएम इस सरमत आईसीबीएम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती को लेकर व्लादिमीर पुतिन बेकरार हैं। पिछले साल नवंबर में ही इसकी तैनाती होनी थी लेकिन देरी हो गई और अब मॉस्को दावा कर रहा है कि इसकी तैनाती जल्द ही हो जाएगी। संभावना यह है कि तैनाती से पहले पुतिन इसका एक यूजर टेस्ट कर सकते हैं। दावा यह किया जा रहा है कि पुतिन इस हथियार का मुकाबला नहीं लगता कि कोई कर सकता है। पुतिन के इस हथियार का मुकाबला रूस की इस मिसाइल को मार गिराने वाला एयर डिफेंस सिस्टम बना ही नहीं है क्योंकि सरमत मिसाइल की स्पीड 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा है और उसकी रेंज 18,000 किलोमीटर यानी दुनिया के बड़े से बड़े शहर रूस की मिसाइल की जद में है और यहां तक कि अमेरिका के हर एक शहर पर वो पिन पॉइंटेड टारगेट निशाना कर सकता है और एक घंटे के अंदर। और तो और सरमत मिसाइल एक साथ 12 परमाणु बम छोड़ सकती है जिनमें हर बम 550 किलो टन जितना भारी हो सकता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जिस बम से जापान के हिरोशिमा को बर्बाद कर दिया था उसका वजन भी सिर्फ 15 किलो टन था, तो आप सोच सकते हैं इंपैक्ट क्या होगा। इसी वजह से दावा किया जा रहा है कि अगर रूस की मिसाइल एक बार चल गई तो ब्रिटेन जैसा देश तबाह हो जाएगा और तो और वो अपने महज एक हमले में फ्रांस के साइज जितने देश को भी दुनिया के नक्शे से मिटा देगी।